ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के सैंपल काफी मात्रा में फेल हो रहे हैं, जो शहरवासियों के चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर आप स्वास्थ्य विभाग की 3 माह की रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि खाद्य पदार्थों में कई तरह की खामियां पाई गई हैं जो खाने पीने योग्य नहीं है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के सैंपल काफी मात्रा में फेल हो रहे हैं, जो शहरवासियों के लिए एक चिंता का विषय है। अगर आप स्वास्थ्य विभाग की 3 माह की रिपोर्ट देखोगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि खाद्य पदार्थों में कई तरह की खामियां पाई गई हैं जो खाने पीने योग्य नहीं है, और अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ सकता है। ये खामियां जानबूझकर लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई है या कोई अन्य वजह रही, इस पर विभाग अभी जाँच कर रहा है और संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 गाड़ियां चलाई गई हैं, जो शहर में घूमकर लोगों की शिकायत पर सैंपलों की जांच करती हैं। उन्होंने बताया कि बीते 3 माह में इन गाड़ियों के माध्यम से दूध, जूस और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल किए थे, जिसमें से 313 सैंपल पानी के लिए थे, जिसमें से 4 सैंपल पानी के फेल हुए, वहीं दूध के 87 सैंपल लिए गए जिसमें से 20 सैंपल फेल हुए हैं, वहीं जूस के 106 में से 16 सैंपल फेल पाए गए। उन्होंने कहा कि सभी फेल सैंपलों पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों की जांच करवाना चाहता है तो वह उनके वाहनों से संपर्क कर सकता है। ये जांच अभी निःशुल्क करवाई जा रही है। सोलन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जाँच के लिए चलाई गई मोबाइल गाड़ियों से कई तरह की अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। ये गाड़ी समय सारणी के हिसाब से शहर में घूमती है और कोई भी व्यक्ति इसमें खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है। अगर लिए गए सैंपलों में कोई त्रुटि पाई गई तो उस पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने मीडिया को दी। हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, मोबाइल जो मोबाइल जगह जगह पर जाके मोबाइल वैन्स है, मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, उसको डिफरेंट जगह पर सैंपल एनालाइज करते हैं। अगर किसी को लगता है कि हमारा दूध, पानी, जूस, सॉस इसमें कोई खराबी है, वो एज पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो वैन की डेट्स होती है, महीने में उसका शेड्यूल हम वेबसाइट पर डालते हैं। उसमें किसी को लगता है कि वैन कहाँ आज जाएगी तो वो अपने सैंपल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एनालाइज करा सकता है। तो पिछले 3 महीनों में हमने 313 सैंपल पानी के एनालाइज किए, जिसमें से 4 सैंपल फेल हुए। इसी तरह से दूध के 87 सैंपल लिए और उसमें से 20 सैंपल फेल पाए गए, और जूस के 106 जिसमें से 16 सैंपल फेल थे, और पनीर, खोया सॉस इत्यादि सारी चीजों के सैंपल उस वैन में टेस्ट करके हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अभी उसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे दे रहे हैं। और इस वैन का मेन पर्पज अवेयरनेस का है, तो स्कूल में जैसे बच्चों को कि घर में हम कोई भी एडल्ट्रेशन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं।